हनीशा वर्मा हैशटैग हनी एंड टेक हैशटैग टेक्निकल गुरुजी हैशटैग एलन मस्क हैशटैग हिमेश मदान। सो ये जो हैशटैग वाले जो वर्ड्स है ये क्या है, हैशटैग क्यों यूज़ किया जाता है, हैशटैग कभी शुरुआत हुआ था और हैशटैग की हिस्ट्री क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताऊंगी आपके अपने चैनल हनी एंड टेक पे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले हैशटैग को क्या कहा जाता है, हैशटैग को ऑक्टोहॉप एंड पाउंड साइन भी कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा आईटी टीम से रिलेटेड हो, जो आईटी टीम से बिलोंग करते हैं उन्हें तो ये भी पता होगा कि हैशटैग क्यों होता है यूज़। लेकिन अगर आपने देखा होगा आईटी पर्सन अगर आपके सिस्टम को रिमोट पे लेता है तो वहाँ पे वो हैशटैग करके वो कीवर्ड एंटर करते हैं। हैशटैग का बेनिफिट ये होता है कि ये यूज़ करके ये कीवर्ड आराम से सर्च हो सकते हैं। हैशटैग जो सबसे पहले हुआ था वो था ट्वीट किया था किसी एक यूज़र ने 2007 में, जिसने सोचा कि अगर हमें कोई यूज़ कोई इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करनी है तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ इंडिया इंजन इंडियन सर्वे, सो इस तरह से तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको हैशटैग के साथ अगर मैं उस कीवर्ड को ऐड करता हूँ तो उससे रिलेटेड जिसने भी अपने की ओपिनियन रेज किए होंगे वो वहाँ पर मिलेंगे। तो हैशटैग का जो बेनिफिट होता है वो अपनी जो वॉइस है, अगर कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड कोई बात सोच रहा है कुछ समझने की कोशिश कर रहा है या उसके बारे में उसको जानना है तो हैशटैग से वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है, जिससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन में अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो अभी तो लिंक्डइन में भी ये फीचर अवेलेबल है, जहाँ पे हैशटैग के साथ अगर आपने देखा होगा कि कोई भी तरह का जस्टिस है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर SSR, इस तरह से जो भी अगर आप गूगल में जाके भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे आपको रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने लोगों ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है वो आपको मिल जाती है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंपनी एक कार लॉन्च कर रही है, अगर वो कार लॉन्च कर रही है तो उसके बारे में वो अनाउंसमेंट ज़रूर कर देगा। उस अनाउंसमेंट के बाद अगर उस कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी बायर को अगर सर्च करना है तो वो हैशटैग से अगर सर्च करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन भी वो कंपनी की अगर वेबसाइट ने कंपनी के फाउंडर ने भी अगर पब्लिश किया हो या उससे रिलेटेड कंपटीटर से भी रिलेटेड कोई भी तरह का कंपटीटिव प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हैशटैग से उस प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनफैक्ट कोई लोग कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन करना है आपको सोशल मीडिया टूल अगर आप यूज़ कर रहे हो कंप्लेन करने के लिए तो वहाँ पे भी हैशटैग अगर यूज़ करते हैं तो कंपनी के जो मेन की पर्सन है उन तक ये बात पहुँच जाती है। लेकिन साथ ही में काफ़ी लोग हैशटैग का सही यूज़ करना भी नहीं जानते, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊंगी कि कुछ लोग व्हाट्सअप स्टेटस में भी हैशटैग रख देते वो करेक्ट यूज़ नहीं है। अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो जैसे कि मुंबई रेलवे के बाद एंड अगर आप टाइप कर देते हो तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ना ही मिलती है और ना ही आप अपनी जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप किसी को अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हो आप अपने ओपिनियन को रेज करना चाहते हो वो भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको वो जो वर्ड्स है वर्ड्स के साथ हैशटैग आगे यूज करना है और आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। सो हैशटैग का जो करेक्ट यूज है वो आप हैशटैग के बाद उसमें वर्ड ऐड कीजिए, कोई स्पेस ना दीजिए और यस स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड नहीं है। हैशटैग के आगे आप नंबर अल्फा न्यूमरिक कर सकते हो, आप नंबर एंड साथ में वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, बट सिर्फ आप नंबर करोगे या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसे कोई भी साइन आप यूज़ करते हो तो फिर वो हैशटैग में वर्ड में नहीं आता। लास्ट मेरी टिप है, जब भी आप कोई भी मीडिया सोशल मीडिया टूल आप हैंडल कर रहे हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो लिंक्डइन हो, आप जब भी हैशटैग यूज़ करते हो तभी आपको ऑटोमेटिक वर्ड कीवर्ड सजेशन आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाता है। अगर आपको वो कीवर्ड सजेशन वर्ड नहीं मिलता है दैट मीन्स ऐसी कोई वर्ड यूज़ करके किसी ने अपने ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन गूगल के पास या सर्च इंजन के पास अवेलेबल नहीं है तो
आप जब भी कोई हैशटैग के आगे कोई वर्ड्स ऐड करते हो, देखिए उसमें ऑटोमेटिक कोई सजेशन आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी ओपिनियन भी आगे तक ना पहुंचे और साथ ही में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वायरल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल हैशटैग का यूज़ करके लोग अपनी इन्फॉर्मेशन वायरल करते हैं, अपने ओपिनियन को वायरल करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुँच सके। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब ने भी अपने जो डिस्क्रिप्शन में टाइटल में भी हैशटैग करके वो ऑप्शन दे दिया है, जहाँ पे आप अपने कीवर्ड आपका जो वीडियो के मैसेज को आप पहुँचा सको। शॉर्ट्स अगर आप बना रहे हो तो आपको हैशटैग शॉर्ट्स करना है, जिससे आपकी जो वीडियोस है वो वायरल हो जाती है। तो इनका जो एल्गोरिदम है वो हैशटैग इस तरह से बना है जिससे मैक्सिमम लोगों तक आपका मैसेज, आपकी वीडियो, आपका जो भी आपने अपडेट पोस्ट अपडेट किया है सोशल मीडिया टूल पर वो लोगों तक पहुँच सके। तो ये था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर हैशटैग। आई होप आपको हैशटैग की हिस्ट्री के बारे में और हैशटैग कैसे यूज़ करना है मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया हो। तो जो भी लोगों को अपने मैसेजेस को वायरल करना है, अपने ओपिनियन को रेज करना है, तो वो किस तरह से अपने पोस्ट को डाल सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया टूल पर। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ स्टुपेंडियस फैंटास्टिक वीकेंड। थैंक यू।